तो गाइस ये देखो छोटू अभी बहुत खुश है गाइस, और अभी इनके पापा साथ गए हैं बैग लाने, और बैग उधर कहीं दूसरी जगह रखे हैं। और दो छोटू तो खुश है कि नहीं? हाँ खुश है। इसमें देखकर बोलो ना, खुश हो? हाँ खुश है। अच्छा वो आदमी है मतलब आपके गांव का ही था? हाँ गांव का ही दोस्तों, गांव का ही था। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों आज मैं पार्क में, वही पार्क में जा रहा हूँ दोस्तों, जो कल वाले वीडियो में मैंने बनाया था उस आदमी का वीडियो। तो दोस्तों मैं आज जा रहा हूँ उसके लिए पैसे लेकर 500, और जैसे कि मैंने अगले वाले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा गाइस। तो आज मैं जा रहा हूँ, और काफ़ी बड़ा दोस्तों पार्क है तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैंने बोला है कि मैं जहाँ मिला था आप वहीं पर मिलना, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है मैं वहीं मिलूँगा। तो अभी बस मैं आधे घंटे में निकलूँगा गाइस, और ढूंढूंगा, काफ़ी बड़ा पार्क है तो मैं उसको 500 रुपये दूंगा, तो ताकि वो बड़ौदरा से बिहार अपने गांव सुरक्षित तो पहुंच जाएगा गाइस। और बड़ौदरा से बिहार जाने के लिए दोस्तों 3 दिन लगता है, 3 दिन। तो गाइस बस अभी मैं निकलने वाला हूँ उसके लिए। वो सोच रहा होगा कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पर दोस्तों मैंने उससे जैसे कि अगले वाले वीडियो में प्रॉमिस किया है तो मैं तो जाऊँगा दोस्तों। और वो सोच रहा होगा पता नहीं आएंगे कि या नहीं आएंगे, पर जब जाएंगे उसके पास तो वो खुश हो जाएगा। तो चलो दोस्तों फिर मैं अभी चलता हूँ उसके पास और पैसे लेकर गाइस। तो गाइस फाइनली भी मैं पार्क में आ गया हूँ, और मैं अंकल को खोज रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है पार्क गाइस। तो उनके पास मोबाइल नंबर भी नहीं है हमारा, और ना ही उनका नंबर है मेरे पास कि मैं उनके पास कॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों भी मैं खोज रहा हूँ, मिलेंगे तो फिर मैं 500 रुपये उनको दे दूंगा गाइस। तो गाइस मैंने यही बोला था उनको मिलने के लिए, पर अभी वो आए नहीं है दोस्तों, और एक जगह और है वहाँ भी जाकर मैं देखता हूँ, अगर वहाँ पर मिलेंगे तो ठीक है दोस्तों। और मैंने यहाँ बोला था उनको कि यहीं पर मिलना, पर यहाँ पर नहीं मिले गाइस। तो चलो मैं दूसरी जगह जाकर देखता हूँ, वहाँ पर अगर मिलेंगे तो ठीक है गाइस। तो गाइस ये देखो ये भाग रहा है, इधर आप छोटू के भाग रहा है, यही है दोस्तों मैं इसको खोज रहा था, देखो ये भाग रहा है। तो गाइस फाइनली मिल गए इनके पापा भी और ये लड़का भी दोस्तों। और दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ इसके लिए वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ, इसका पर्पस ये है गाइस कि जिन्होंने इनके साथ ये किया है कि हाँ यहाँ पर बिहार पर मतलब बिहार से बड़ौदरा लाकर छोड़ दिए गाइस कि जाकर वहीं भटको मरो। पर दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि ये वीडियो उस तक पहुँचे जो इन्होंने इनके साथ किया है, उसे भी पता चले कि हाँ मैंने कितनी बड़ी गलती किया है। तो दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का यही पर्पस है, और कुछ नहीं है कि मैं पैसा दे रहा हूँ इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस। मैं वीडियो बनाने का मेरा यही एक इरादा है, पर्पस है कि जिन्होंने इनके साथ ये किया है उस तक वीडियो ये पहुंचे और पता चले हाँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। किसी के साथ नहीं करना चाहिए, अब किसी के साथ नहीं करना चाहिए, कितना तकलीफ हो रहा है। अब ये बच्चा भी है देखो, उसको भूख नहीं लगेगा, खाना नहीं खाएगा वो बेचारा, कितना मतलब छोटा है अभी गाइस, कितना तकलीफ हो रहा है इनको। और बच्चा भी साथ में है, मान लो 12-13 साल का होगा, और बड़ौदरा में इनका कोई है भी नहीं दोस्तों, और कितना तकलीफ़ हो रहा है। और एक लोग और बोले थे गुजराती थे वो दोस्तों कि मैं 500 रुपये दूंगा, वो भी नहीं दिए, आए ही नहीं गाइस। और मैं इनके लिए घर से मम्मी से पैसे मांग कर इनके लिए लाया हूँ दोस्तों 500 रुपये, और मैं सोच रहा हूँ इनको पैसे जब दूंगा तो सही सुरक्षित पहुँच जाएंगे अपने घर। और अंकल आप खुश हो ना? हाँ बहुत खुश। छोटू तू खुश है ना? तो छोटू भी खुश है और इनके पापा भी खुश हैं दोस्तों। मैं 500 रुपये इनको दे देता हूँ, और गाइस ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो गाइस मैं ये 500 का नोट दे देता हूँ, देख लो आप सब, और अंकल ये लो, मैंने 500 रुपये दे दिया भाई, मेरे को बहुत अच्छा भाई है, मेरा मदद किया और गांव चल जाएगा। देख लो आँखें में आंसू हो गए, मतलब ये दर्द इनका ना निकल नहीं रहा है। पैसे की बात नहीं, पैसे तो बहुत कम है जिंदगी, पैसा 500 का नहीं है, कम से सहारा तो मिला, अपने गाँव तो चल जाएंगे। मतलब वो दर्द निकल नहीं रहा है गाइस, कुछ दर्द होता है ना अंदर अंदर, मतलब इंसान को खोखला कर देता है गाइस। आप देख सकते हो इनके आंख में आंसू भी आ गया, मतलब ये खुशी का आंसू है कि हाँ किसी ने हमको मदद किया है। बस भाई चलो गाइस, तो दोस्तों मैंने दे दिया पैसे और ये छोटू भी खुश हो गया। अब चलो गाइस
अब ये चीज मैं अपने पापा को दिखा दूंगा तो पापा खुश होंगे। चाचा पैसा आपको लड़का दे दिया मेरे को, चाचा अपने गांव चल जाएंगे, अपने देश चले जाएंगे। तो गाइस ये देखो इतना बड़ा मगरमच्छ। तो गाइस ये देखो छोटू अभी बहुत खुश है गाइस, और अभी इनके पापा साथ गए हैं बैग लाने, और बैग उधर कहीं दूसरी जगह रखे हैं। और दो छोटू तो खुश है कि नहीं? हाँ खुश है। इसमें देखकर बोलो ना, खुश हो? हाँ खुश है। अच्छा वो आदमी है मतलब आपके गांव का ही था? हाँ गांव का ही। दोस्तों गांव का ही था। गाइस ये देखो ये भी बैठा हुआ है अभी पानी से बाहर निकल के। गाइस ये देखो इतने सारे बंदर। तो गाइस मैंने पैसे दे दिया और अंकल भी बहुत खुश थे, उनका लड़का भी बहुत खुश था, और दोस्तों मुझे भी बहुत खुशी हुआ कि मैंने किसी का मदद किया गाइस। और मदद करने के बाद वो जो खुशी होता है ना वो अलग ही होता है दोस्तों। तो दोनों बहुत खुश थे और अपने गांव सुरक्षित चले जाएंगे गाइस। और मैंने बोला कि मैंने नंबर भी दिया अपना कि पहुँचने के बाद वहाँ पर आप जाकर कॉल कर देना, तो गाइस वो लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो कॉल कर देंगे। और मुझे बहुत खुशी हुआ गाइस कि मैंने किसी का मदद किया। तो गाइस ये देखो ये हिरन है, अभी सारे बाहर आकर मतलब चारा खा रहे हैं दोस्तों। तो गाइस अभी मैं घर जा रहा हूँ, और अभी शाम को 6 बज गया है, और यहाँ से घर जाने के लिए मुझे 1 घंटा लगेगा दोस्तों। तो चलो मैं फिर घर पर मिलता हूँ गाइस। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और खाना में है छोले और रोटी। और दोस्तों अभी रात को 11 बज रहा है गाइस, ये देखो रात को 11 बज रहा है, और मैं अपना वीडियो भी यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होता लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय दोस्तों।